हाय, दिस इज एमडी रियाज। दोस्तों, तो आज मैं बताऊंगा एसी में जो बार बार गैस निकल जाता है, लीकेज हो जाता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है जिसकी वजह से लीकेज एसी में गैस लीकेज ना हो और जो हम काम करें कस्टमर को उसका बेनिफिट भी अच्छी तरीके से हो। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करिए तो मुझे कॉन्फिडेंट आता है। और ये HVAC का कोटिंग मैं इसमें लगाऊंगा, जॉइंट पे जितने भी जॉइंट्स है सब में लगाऊंगा, इसमें अच्छी तरीके से ब्रूस भी मार लीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं मैं पूरा आउटडोर हटाया हूँ और पूरे में अच्छी तरीके से कोटिंग करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। और ये पूरा कूलिंग कॉइल भी मैं बाहर निकाला हूँ ताकि इसमें भी मैं अच्छी तरीके से कोटिंग करूँ, एंटी रोस्टेड मॉइस्चर जो होता है दोस्तों, जो इस पर चिपक जाता है, मॉइस्चर नहीं बैठे। इसका एक ही इलाज है दोस्तों, इसमें अच्छी तरीके से कोटिंग किया जाए। ठीक है, इससे क्या होता है कि कूलिंग कोयल का और कंडेंसर का लाइफ भी बढ़ता है और गैस भी लीकेज नहीं होता। तो इसको मैं अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, पूरे ही आउटडोर कंडेंसर को और कूलिंग कोयल को, यानी एवोपरेटर कोयल को। अब ये देखिए, ये HVAC का कोटिंग है, मैं इसको अच्छी तरीके से मारूँ, देख सकते हैं यहाँ पे जो पुराना कोयल होता है वो भी नया की तरह दिखने लगता है। और जितना जॉइंट सब में मारेंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि कभी कंडेंसर लीकेज होता है तो कभी कूलिंग कोयल लीकेज होता है तो कभी वाल लीकेज हो जाता है। ऐसे क्या दोस्तों, कस्टमर भी बहुत परेशान हो जाता है और टेक्नीशियन भी बहुत परेशान हो जाता है। और 3 महीने के अंदर अंदर इसका वारंटी भी ख़त्म होने के बाद कई बार लीकेज होता है, तो कस्टमर इससे परेशान हो जाता है कि टेक्नीशियन ने कोई सेटिंग कर रखा है कि 3 महीने बाद लीकेज हो जाता है। कई कस्टमर मुझे ऐसा बोला भी है, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक है, या फिर वारंटी होता है अंडर वारंटी और गैस निकल जाता है तो इससे हमें नुकसान भी होता है। तो मैं इसलिए वीडियो बनाया हूँ आप सभी के लिए, तो ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है, आखिरी तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि इसका फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं मैं जॉइंट जितने सब में मतलब कोटिंग करूँगा, इसको बेहतर तरीके से करूँगा। इसलिए दोस्तों आज मैं फुल वीडियो बनाया हूँ इसका, कंडेंसर का भी और कूलिंग कोयल का भी, यानी एवोपरेटर कोयल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी जॉइंट्स हैं सब में मैं ऐसा ही ब्रिजिंग कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो टोटल 3 कैन है दोस्तों, और तीनों कैन मैं इसी में यूज करूँगा और अच्छी तरीके से यूज करूँगा, कहीं भी मैं छोड़ूंगा जितना जॉइंट, क्योंकि ज़्यादातर जो गैस लीकेज होता है वो जॉइंट से ही होता है, जॉइंट से या यू बैंड के पास से होता है या वाल के पास से होता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि गैस कितना महंगा आता है दोस्तों, एसी का आजकल तो इतना महंगा हो गया कि मैं क्या बताऊँ। तो रिविजिट आने का कोई चांस ही ना छोड़े और अच्छी तरीके से काम करे ताकि कस्टमर भी खुश और टेक्नीशियन को भी खुशी मिले। तो देख सकते हैं मैं बढ़िया तरीके से इसको मैं कोटिंग कर दिया हूँ, जितना भी जॉइंट था सब। अब मैं कूलिंग कोयल का भी करूँगा, बट एसी का जो रॉन्ग साइड का होता है, कंडेंसर का रॉन्ग साइड, यहाँ से ज़्यादा तो लीकेज नहीं होता है बट कभी कभी यहाँ से भी लीकेज हो जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें भी मैं अच्छी तरीके से कोटिंग कर दूँगा। और सब में दोस्तों मैं पहले ब्रूस मारा हूँ, उसको क्लीन किया, उसके बाद मैं ये कोटिंग कर रहा हूँ। और दोस्तों ये कोटिंग आता है लगभग मार्केट में 200 रुपये का आता है, मुझे पता नहीं है आप लोगों की तरफ कितना रेट है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कस्टमर से आप ले सकते हो इसका 700 रुपये या 1000 रुपये, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, बट ये वीडियो मैं खाली आप सभी को बताने के लिए बना रहा हूँ, कस्टमर से मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें गैस चार्जिंग किया हूँ तो मैं ये वीडियो शूट कर दे रहा हूँ आप सभी के लिए। तो आउटडोर को अच्छी तरीके से मैं कर दिया हूँ कोटिंग, अब ये इंडोर का जो कूलिंग कोयल है दोस्तों उसको भी बढ़िया तरीके से कोटिंग करूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप सभी, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो या फिर कोई सवाल है तो। देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से कोटिंग होता है ये HVAC का। और दोस्तों ये कोटिंग करने से जो मॉइस्चर होता है, कार्बन बोलते हैं जो भी बोलते हैं दोस्तों, ये बैठ जाता है और क्या करता है, जो नया नया सोना की तरह दिखता है कोपर, उस कोपर को दोस्तों नाला जैसा सड़ेला बना देता है, काला काला बना देता है, उस पर चिपक जाता है, जैसे लोहे में जंग पकड़ लेता है ना पानी की वजह से, वैसा ही जंग पकड़ के इसको दोस्तों लीकेज कर देता है गैस को। तो मैं सब में अच्छी तरह से ब्रूस मारने के बाद मैं ये कोटिंग लगा रहा हूँ दोस्तों, बहुत बढ़िया कोटिंग है ये और इसकी लाइफ भी अच्छी खासी है। ठीक है, तो देख सकते हैं अच्छी तरीके से मैं कोटिंग कंप्लीट कर दिया हूँ दोस्तों, और इससे क्या होगा, लीकेज भी नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कोटिंग क्यों करना चाहिए और कोटिंग करने से कूलिंग कोयल की लाइफ कैसे बढ़ती है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए दोस्तों, और दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट मारिए, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दे दूँगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, फिर से एक बार आप सभी का थैंक यू सो मच, बाय।